गया, तो आइए चलते हैं। यार यार बर्तन बढ़िया लेके अरे अरे यार चले की गाड़ी आज चले। हाय गाइस, आ चुके हम लोग दर्जनिया पहुंच चुके हैं, और फिलहाल के लिए कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा जितना सोचा था मैंने, क्योंकि ये पुलिस वालों ने रोक रखा है, वो हमें दर्जनिया जो ताल है तो वहाँ पे जाने नहीं दे रहे हैं। तो फिलहाल के लिए हम दर्जनिया के बगल में एक है नदी, तो वहाँ पे आए हुए हैं, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लोग हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर ये यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी बना के यहीं पे खा रहे हैं नए साल के दिन। और यहाँ पे हमारा ग्रुप यहाँ पे है, ये रहा हमारा ग्रुप, तैयारियां चल रही है, और इन्होंने हमें है जो कि ईंटा लाने के लिए भेजा हुआ है, तो ईंटा लाने के लिए भेजा, तो हम लोग यहाँ पे ईंटा ले रहे हैं। और ये देखो सूरज सूरज सूरज, एक मिनट गाइस, ये हमने खड़ंजा उखाड़ दिया है थोड़ा सा, यहाँ पे हमने चार ईंटे ले लिए हैं, और हम लोग फिर ईंटा लेके वापस जा रहे हैं ताकि अपन लोग बना सके कोई डिलीशियस मीट। तो गाइस ये सूरज भाई साहब बना रहे हैं हमारा चूल्हा, एक नंबर यार, बढ़िया ऊपर खाई नहीं, खाली हवा हाउ कर खातिर, हवा ब्लॉक कर खातिर, एक नंबर का चूल्हा है देना भैया, एक नंबर। अरे बाप रे, और ये रखो 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 रखो, देखा जा मस्त, ये तो हमारा हो गया चिकन का। ये भाई साहब लेके लकड़ी लेके आ रहे हैं, घुसे यार ले लो तो यार, ये तो सारा सुखल बा, सब जंगल में लकड़ी ना होगा तो का हुई। ये है पूरा यहाँ का सीन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा बंदे हैं, बहुत ही लोग हैं और जो एंजॉय कर रहे हैं। ये कमलेश भाई गए थे ये कांटे वाली लकड़ी लेके आए, तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ी सही लकड़ी लेने के लिए ताकि हमारे हाथों में डैमेज ना हो। So, चलते हैं जंगल में लकड़ी चलते हैं, न्यू ईयर मजा आने वाला, और जब तक स्ट्रगल नहीं होता जिंदगी में तब तक मजा नहीं आता, तो थोड़ा स्ट्रगल करेंगे आज। और गाइस ये आज भाई जा रहे हैं, हम लोगों के साथ लकड़ी तुड़ाई होता, तोड़िए पेड़ तोड़िए आप, आगे हैं लकड़ी तोड़ने के लिए। ये लकड़ी तोड़ी जा रही है यहाँ पे, कौन डब्बा, अरे ला लेते गाना वाना बजाओ के यार, कौन हमले कहाँ बांटे मोबाइल, बहुत बात चिंता नहीं करते, डांस क्यों नहीं कर रहा, लेकिन गाना सबके चाहिए। अरे पोपलिया बड़ी मस्त जल शायद, पोपलिया छोड़ा ही नहीं है भैया, यार निकली का डर लगा था यार, अरे आराम से पांच के वीडियो बना के डाल देते नहीं अब हम इंटरनेट पे, जंगल खाली कर दे थोड़ा जान, चलो चलो ले लेके आगे। तो गाइस हम लोग लेने जा रहे हैं थोड़ी और मोटी लकड़ियाँ, क्योंकि पतला किसी को पसंद नहीं है। हाँ से गिना और चलो सीधे ऊपर, करिया मोती गिरल बकरी कुल के। ओ कहा अरे नहीं जानता मैं यार, नहीं जा वहाँ काम डाल रहा था, बहुत ज़्यादा भाई पूरा सुखा लगा, हाई तू दिखा जो लटका लगा आई बताइए पॉसिबल लग रहा है। सो गाइस थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा है यहाँ पे लकड़ी ढूंढने के लिए। सो गाइस हम लोग अभी फिलहाल के लिए 500 मीटर अंदर तक आ चुके जंगल के, और कुछ अच्छी लकड़ियाँ नहीं मिली हैं, सारे कांटे वाली लकड़ियाँ, जो भी सूखी हैं वो कांटे वाली ही हैं, और मैं ज़्यादा अंदर जाना नहीं चाहता। भाई देखो अरे आई है टहनिया, मैंने जो काटा लगा था कटे वाला ये है टहनिया सुखल वा, कैसे सुखल वा, पत्ता लग कर था हरी है पत्ता लग कर कैसे यार का
अरे ये रहे हमारे महाराजगंज के शाहरुख खान। तो गाइस ये मेरी लकड़ी है, ये भी आज ले रहे हैं, ये थोड़ी सी इन्होंने ली है, और आई होप कि इतने में हमारा खाना बन जाए। तुम लेके चलेगा? हाँ चलिए। अरे पत्थरवा दे दी है लड़कों ने, तो बेचारा कुल का लगना है। अरे बेचारा कुल का हम ना जाने नहीं, अटा यहाँ साला हेल्प कर थोड़ी ना बन के ओके। सो गाइस इतनी सी लकड़ियाँ मिली मेरे को और मैं यही लेके जा रहा हूँ, थोड़ा सा योगदान है मेरा इस पहाड़ी साड़ी में, और फिर चलते हैं। हाँ ये मेरी प्यारी बाइक खड़ी है यहाँ पे, और ये प्यारे प्यारे लोग हैं। हाँ क्या बात है, देखिए लकड़ी लेके आया आपके लिए। नाउ आई नीड मीट, मेरे को मीट खिलाओ, मैं लकड़ी लेके आया। सूरज पब्लिक देखे भाई, ये देखो सूरज भाई जिसमें क्या है, जिसमें इन्होंने वो हासिल चिकन मास्टर, और ये प्याज काट रहे हैं फिलहाल के लिए, थोड़े से मटर हैं, थोड़ी सी मिर्च है, मिर्च येरी, मटर, धनिया की पत्ती, प्याज, और ये खसखस खसखस काट रहे भाई साहब जी। देखते हैं और कुछ इसमें, नमक है, ये प्रमोशन हो गया एवरेस्ट का। और ये गोल्डी चिली पाउडर हमारे पास, ये हमारे पास ग्लासेस हैं, ग्लासेस, और ये छोटा सा तेल का डब्बा, और ये रियाज भाई लकड़ी लेके आ गए हैं, रिजवान भाई आ रहे हैं। चलो बढ़िया भाई, और क्या ही, अब जब बनेगा तो फिर दिखाता हूँ मैं, यहाँ रहो। सो गाइस फिलहाल के लिए हम लोग जा रहे हैं चावल धोने के लिए, हमने चावल ले लिया 1.5 किलो, ये रहा। तो हाँ सारी चीज़ तैयार है, फिलहाल के चलते हैं हैंड पंप पे, वहाँ पे हमें वहाँ पे चावल धोना है, फिर चावल को हम लोग रखेंगे, फिर यहाँ पे लाएंगे, फिर जलाएंगे। थोड़ी दूर है, मैं आपको हैंड पंप दिखा देता हूँ कहाँ पे। एक्चुअली मेरा तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम है, क्योंकि मेरा हमेशा जो न्यू ईयर है वो एक्चुअली मैं दिल्ली में ही होता है, बट फर्स्ट टाइम यहाँ पे है। सो देखते हैं कैसा हो रहा है, दुद्धू को मतलब कहाँ चाहिए। सो गाइस यहाँ पे पानी भरा जा रहा है, चलते हैं पानी वानी भर लेते हैं ताकि खाना खा सकें। पहली बार खाने के लिए ज़िंदगी में इतनी मेहनत कर रहा हूँ गाइस मैं। पानी भर लिए हम लोग, और पानी भर के चल रहे हम लोग चावल रखने, और अब जलेगी आग, दुश्मन के सीने में नहीं गाइस चूल्हे में चलेगी आग, तो रेडी। ये रहा, ये देखिए गाइस पूरा पानी भर लिया हमने, न्यूटन क्लॉस से नब्बे, एक बार कैसे नापा जाता है चावल में पानी, जरा बता दीजिएगा दर्शकों को। ये ओके भाई, हाँ चावल के लेयर के ऊपर से इतना ऊपर चावल में पानी। ओके गाइस, तो गाइस आपको अपडेट करते रहेंगे अपन लोग कि कैसे कैसे क्या हो रहा है आगे, और व्लॉग पूरा देखना, फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि मजा आता है व्लॉग देखने में, तो देखो। सो गाइस टमाटर वमाटर तो लेके नहीं आए हम, क्योंकि इन लोगों को टमाटर के बिना अच्छा लगता है चिकन, मस्ती मजा और क्या ही चाहिए जिंदगी में। आज के दिन तो 2 दिन की छुट्टी ले रखी है मैंने, 2 दिन के बाद काम करना है, फुल टू मस्ती करेंगे। और गाइस आज के बाद ट्राई करूँगा वीडियोस अच्छी अच्छी बनाऊँ, यार समय में नहीं मिल पा रहा था काम वाम के चक्कर में, इसलिए वीडियोस नहीं बन पा रही थी। यहाँ पे राहुल भाई लकड़ी तोड़ ओड़ के चूल्हे में आग लगा रहे हैं, भाई धूप हो रही है, ठंड में इतनी भी धूप नहीं चाहिए कि गांठ पड़ जाए, बचपन के याद, बहुत ज्यादा धूप हो रही है। तो गाइस अभी चावल बनने वाला है, मैं आपको दिखाऊंगा जब ये पता नहीं कैसा चिकन बना रहे हैं वो दिखाऊंगा मैं आपको लास्ट में कैसा बना है एक्चुअली चिकन। और रियाज भाई और रिजवान भाई और कमलेश भाई ये लोग गए हुए हैं अभी लकड़ी लाने के लिए, और भी ज्यादा। अगर गाइस आप यहाँ पे आ रहे हो तो आप घर से ना थोड़े जैसी 2-4 मोटी लकड़ी डिक्की में रख के लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे आपको लकड़ी मिलेंगे नहीं, जो अगल बगल के गांव वाले हैं वो वैसे ठंड वैसी है तो वो लोग लेके भग जाते हैं, जो कि क्या कहते हैं लकड़ी, तो बस कांटी वाली लकड़ियाँ बची है, और बहुत ही होशियारी से हम लोग लेके आए किसी तरह, तो आप लोग लकड़ी लेके आइए, क्योंकि जंगल में गैस पर खाना बनाने का मतलब ही समझ नहीं आता, इससे अच्छा घर पर ही खा लो, है ना। सो आप लकड़ी थोड़े से मोटे मोटे लेके आओ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम, हाँ ये भी है हमारे पास। अरे यार पूरा फाड़ दो पहले, आग जला दो। तो गाइस आप लोग अग्नि दहन नहीं, आग जलने जा रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। पेट्रोल चोरी,
मिस्त्री चल जल्दी जल्दी। ये गाइस पेट्रोल निकाल रहे अपन लोग तो। बहुत हो जाएगा, बहुत बस एक बार चलो चालू कहीं था। सो गाइस कहा भैया ही कहो हमने देखिए आग लाने के लिए नमक चाहिएगा आपको, कितना चाहिए नमक इसमें? इसमें निकाल लीजिए इसमें से आप। अच्छा नमक वहाँ भूल गए क्या आप लोग? चलो चलो आग कोई नहीं। सो गाइस हम लोग पेट्रोल से आग लगाने जा रहे हैं। पेट्रोल से हम लोग आग लगाने जा रहे गाइस। और भैया आगे ना थोड़ा सा लकड़ी लेके आ स्वाहा। चलो बस बची बनाए थोड़ा। और गाइस ये देखिए अब कैसे लगेगी आग, आग लगेगी। ला 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 उठा उठा के भाई उठा के। अरे जल जाए तो थोड़ा अंदर की तो उठा दो निकालो से। अरे यार देखो करे बात कुछ कर लिया। गाइस आग हम लोग का जो है तैयार हो चुका है। सो गाइस सूरज भाई यहाँ पे बहुत ही परेशान हो गए हैं लकड़ी लगा के और चावल को बदकाने में। सो गाइस मेरे पास सूरज के लिए गाना है। ओके तो हम लोग, मैं आपको एक बात बता दूं, हम लोग दर्जिनिया हुए हैं तो दर्जिनिया में इनके लिए मेरे पास एक गाना है। हाँ तो गाइस गाना सुनेंगे आप लोग। पिया दर्जिनिया मजा लूटत हुई हैं और गणिया उठा के चूल्हा फूकत हुई हैं। वाह वाह मीट भात खा के मजा आवत हुई और चूल्हा फूकत के कुछ तो कुछ तो कुछ फाटत हुई। तो गाइस ये गाना हमारे श्री श्री सूरज गुप्ता जी के लिए था क्योंकि ये बहुत मेहनत कर रहे हैं फिलहाल के लिए लकड़ी जलाने के लिए। और गाइस मैं आपको एक बार और दिखा दूं, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मस्त सीन है हमारे पास। और ये निचलौल की पार्टी आई थिंक, मेरे को पता नहीं कोई तो गया, कोई ऐसे जान पहचान में लग रहा था। बहुत ही ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ रहा है गाइस। सो गाइस लहसुन छील चुका हूँ मैं फिलहाल के लिए और बाकी हमने चावल भी बना लिए हैं फिलहाल के लिए। दिखाता हूँ मैं आपको चावल कैसा। ये रहे गाइस टेस्टी टेस्टी बासमती चावल। और फिलहाल के लिए हम लोग चिकन बनाने जा रहे हैं। आज हम बता रहे हैं आपको दर्जिनिया वाले चिकन की रेसिपी। इसमें आप डालेंगे पहले तेल, लहसुन, खड़ा मसाला और लाल मिर्च। और फिर उसके लिए आपको साथ चाहिए दो चार दोस्त, तभी आपका दर्जिनिया वाला चिकन बन पाएगा। ये लकड़ी गाइस हम बची हुई लकड़ी घर पे भी लेके जाने वाले हैं आज के। ये ताजा नमक। अरे का को छोड़ना है। अच्छा राहुल भाई कब घर हाथ बटा वाला खाना बनोले में? बिल्कुल बनाया। अच्छा चलो ठीक बा। आज हमार से मांग ले। नाइस हस्बैंड भाई। यही चिल्लाई यही भइल बनाता था होई गया। सो गाइस अभी मार दे भाई भाई करता रे वहां गईले में कुछ घटा हुआ है। और राहुल भाई हमारे दूत हैं, दूतावास जाइए भाई साहब, आप मांग के लाइए कुछ। तो ये उस पार्टी से मांगने जा रहे हैं। क्या घटा ले रहा भैया? प्याज। गाइस प्याज घट गया तो ये प्याज मांगने जा रहे हैं, देखते हैं सक्सेस होते हैं या नहीं। तो राहुल भाई हैं वो सक्सेस हो गए प्याज लाने के लिए। चिकन एकदम घंटा जा रहा है एक्चुअली में। नहीं एक लेके आओ ना, होना चाहिए लाजवाब जिस तरह से बनाया जा रहा है। एक मसाला ले, मसाले को एक और मसाला चाहिए हमें। और ये रहा हमारे पास एक और एवरेस्ट। ये एक एवरेस्ट एकदम बढ़िया चलाओ। एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट जैसा स्वाद आएगा। हेलो भैया एवरेस्ट माउंट नहीं माउंटेन एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट। अरे तंबाकू ना ये महाराज। डालिए 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 महाराज। हाँ डला जा रहा है हमारा एवरेस्ट चिकन मसाला। एवरेस्ट चिकन मसाला भाई ये क्या है? जो कि स्पेशल हमने बरोइया ढाला से बनवाया। गाइस ये कोई सीक्रेट मसाला नहीं है, ये एक्चुअली भाई माउंट एवरेस्ट वाला मसाला है। माउंट एवरेस्ट भी अगले हम सारे लोग जब खाने बैठेंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा कितना मजा आ रहा है एक्चुअली में। वैसे मजा आ रहा है क्योंकि दोस्तों के साथ आपके जंगल में हो, दोस्तों के साथ आप कहीं पे भी हो, थोड़ा सा पानी मजा आता है। अगर जब गल जाएगा ना थोड़ा सा पानी और डाल के बढ़ा दीजिएगा बस।
जैसे दाल बढ़ाता है। तो गाइस अब हम लोग थोड़ा चख लेते हैं कैसा हुआ चिकन, और हमारे जो तीन दोस्त हैं वो उधर घूमने के लिए निकले हुए हैं उधर, तो हम लोग जब तक तीन दोस्त थोड़ा सा चख लेते हैं उसके बाद से फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं फिर। हेलो गाइस, सो फाइनली हम लोग 2:30 बजे खाना खा रहे हैं। 2:30 बज गए? 2:30 बज गए। राहुल कैसा लग रहा है आखिर में मिल रहा है? रियाज खाना निकाल रहा है, ये कमले सिरजन है, ये लिए चावल सबको मिल चुका है हमारे पास। हमसे मैं आपको स्वाद बताने वाला हूँ क्योंकि कैसा है? बहुत अच्छा भाई। राहुल एक नंबर, रियाज भी खाना कमले कैसा? एक नंबर, डिलीशियस। इनका देखा भोजपुरी में। रियाज कैसा है? हाउ इज द जोश? टेस्टी सर? गाइस सबको टेस्टी लगा है, देखते मेरे को कैसा लगता है। ये रहा मेरा खाना। सो गाइस खाते हैं थोड़ा, देखते हैं कैसा है। बहुत इंतजार किया इस चीज के लिए। देखो भाई मस्त ना, घर के बाहर खाना खेलने में मजा आ रहा है। अपने हाथ के खाना खेलने में मजा आ रहा। चिकन गाइस एक्चुअली बहुत अच्छा है, और मैं आपको बता दूँ ये सूरज ने बनाया है चिकन मेरे, तो इन्होंने चिकन बनाया। एक्चुअली गाइस चिकन बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। और आपको पता है कि सुबह से लेकर 2:30 बजे तक कुछ खाना नहीं खाया हमने, और अब मिल रहा है तो आप पता समझ सकते हो ना, अगर भूखे पेट रहोगे तो कुछ भी अच्छा लगता है तो पैसा, लेकिन ये एक्चुअली में अच्छा है, तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। तो फिलहाल के लिए गाइस हमारी न्यू ईयर पार्टी खत्म हो चुकी है और हम लोग घर जा रहे हैं फिलहाल के लिए, और हमें और भी लोग मिल गए। सो गाइस फिलहाल के लिए तो हम लोग घर जा रहे हैं, पार्टी पूरी खत्म चाहिए। यहाँ पे हमारा चूल्हा किसी और ने ले लिया है। सो गाइस चूल्हे की बात नहीं है, आप लोग घर जा रहे हैं फिलहाल के लिए और निकलते हैं। फिर मैं आपको अपने गाँव की वीडियो दिखाऊंगा, शाम को डीजे बज रहा है। सो गाइस पार्टी खत्म करके हम लोग आ चुके हैं, बगल में एक नदी है वहाँ पे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सीन। ये रहा वो गजब का सीन, मैं आपको अगला कैमरा ऑन कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा सीन एक्चुअली में कैसा है। यहाँ पे बंदे बहुत सारे बंदे आए हुए हैं यहाँ पे, एक्चुअली में बहुत लोग आते भी हैं यहाँ पे देखने के लिए। ये नदी बहुत बड़ी नदी है, मैं आपको दिखा देता हूँ आगे। एक्चुअली फोटो का स्पॉट है, फोटो कैप्चर का। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे दो नदियों का संगम है। ये रहा एक नीला पानी, एक और एक गंदा पानी, ये दोनों मिल रहे हैं एक्चुअली में, और ये दोनों मिल किधर जा रहे हैं? बिहार की तरफ। सो गाइस यहाँ पे बहुत ही सारे बंदे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी भीड़ लगी हुई है नए साल के दिन। एक्चुअली यहाँ पे भीड़ हमेशा ही रहती है, बट आज नए साल के दिन लोग दर्जनिया में खाना बना के खाने के लिए आए हैं, तो वो यहाँ पे आ गए एक्चुअली में देखने के लिए नज़ारा। गाइस बहुत ही सुंदर नज़ारा है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कार से लोग आए हुए हैं, और एक्चुअली में बहुत ही मज़ा आ रहा है। यहाँ पे लोग फोटो शूट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये देखिए इसको कटान कहा जाता है कुछ ऐसा, क्योंकि गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूँ के पीछे यहाँ पे लाखों एकड़ खेत था, तो नदी है ना जो पानी कम होता है और बहाव तेज होता है, तो वो नदी है जो कि वो जमीन काटती है, नीचे से काट के गिरा देती है जमीन, तो सेम यहाँ पे हुआ है, पूरा जमीन काट के नदी ने खुद में ये जमीन मिला है। वरना आपको बता दूँ वहाँ पे आगे बिहार है, वो बिहार आपको उस साइड आपको बिहार मिलेगा, इस साइड आपको पूरा का पूरा नेपाल मिलेगा, तो नेपाल बिहार और ये रहा यूपी, तो ये वहाँ का संगम है। और मैं आपको बता दूँ यहाँ जो पानी है वो भी एकदम अलग अलग तरीके का है। गाइस देखिए यहाँ पे आपको दो पानी मिलते हुए दिखेंगे, एक उस साइड जो पानी है वो नीला है पूरा, और इस बार इस जगह का मटमैला, मैं आपको आगे वाले कैमरे से दिखाता हूँ वहाँ से अच्छी क्वालिटी। गाइस यहाँ पे पूरा पानी दोनों अलग अलग है, एक नीला पानी जो नेपाल से आ रहा है क्योंकि वहाँ पे पत्थर ज़्यादा होता है, पानी मटमैला नहीं होता, और यहाँ पे जो पानी वो मटमैला, ये दोनों मिल के बिहार की तरफ जा रहे हैं। एक नदी है जो कि हमारे गाँव की तरफ जाती है, मैं आपको बता दूँ खरचौली की तरफ। सो गाइज ये देखिए हम एकदम नदी के अंदर हैं फिलहाल के लिए, हम नाव से यहाँ पे आए हैं, और हम लोग नदी के बीचों बीच में, या बीच जैसा हमको फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है हम गोवा के बीच पे हैं, गोवा तो अभी कहीं गया नहीं, और यहाँ पे और लोग हैं जो कि उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। सो गाइज आपने देखा कितना मस्त है मेरी इधर की सिटी, अगर आप लोग को भी आना हो तो मेरे को जरूर बताइएगा, मैं आपको लेकर जाऊँगा। सो गाइज अभी यहाँ पे व्लॉग करते हैं खत्म, बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।